हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं नीतीश और आप सभी का स्वागत है एक और गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड। और सोलो वर्सेस स्क्वाड में क्या होता है ये आज आप लोगों को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सामने होने वाले हैं चार बंदे और मैं अकेला, और फाइट करना बहुत इम्पॉसिबल। बट आज हम लोग भैया की तरफ ज़्यादा जाने वाले हैं, क्योंकि भैया मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड में नहीं किया है, बट आज मुझे करना है भुइया। देखते हैं भुइया होता है या फिर नहीं। सामने चार बंदे हैं और आप अकेले, तो भुइया करना इम्पॉसिबल होता है। बहुत दिनों पहले मैंने भुइया किया था सोलो वर्सेस स्क्वाड में, बट अभी के समय पर भुइया करना मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल सा होता है। बट मैं आज ट्राई करने वाला हूँ, अगर भुइया हो जाए तो मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन कोई नहीं, अपने गेम में फोकस करते। बट गेम में फोकस क्यों करे, बंदे आए ही नहीं यहाँ पे। बीमा शक्ति के ऊपर बंदे ना आना ऐसा इम्पॉसिबल होता है, और एक भी स्क्वाड ना आना ये तो असंभव नहीं है। बंदे आए यहाँ पे और ये बंदा सीरियसली यहाँ पे क्या कर रहा है, और इस बंदे को पता ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ और ये बंदा कहाँ पे, इसको खुद नहीं पता। और ये बंदा लूटे जा रहा है। इसके और भी टीममेट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये बंदा अभी के अभी डाउन हुआ था। मतलब इसके टीममेट तो है, ये रहा ये बंदा, दूसरा बंदा है और ये बंदा लो, ये बंदा डाउन। और सीरियसली इस बंदे ने मुझे हाफ हेल्थ से भी कम कर दिया है। मतलब ये बंदा मुझे मार सकता था। अगर ये बंदा और भी प्रो होता तो मुझे ख़त्म कर सकता था, अगर इसका हेडशॉट लग जाता तो। इसके और भी टीममेट्स होंगे यहाँ पे, बट मुझे संभल कर खेलना है। अगर पीछे से ये देखो, मैं यही बोलने वाला था कि पीछे से ना कोई मारे। और ये लो हेडशॉट, इसको भी हेडशॉट लगा और इस बंदे को भी हेडशॉट लगा था। और इसके पास वॉल था आई थिंक, बट मैंने देखा नहीं, मैंने क्लिक कर दिया, बट कोई नहीं। इसके और भी टीममेट्स हो सकते हैं। अब इसके टीममेट्स नहीं, अब आखिरी बंदा होगा इसके टीम का और इसको मारना मुझे। अगर ये बंदा आई थिंक है, देखिए ट्राई करते हैं। अगर ये बंदा डायरेक्टली फिनिश हो गया, मतलब इसका आखिरी बंदा था और मैंने यहाँ पे स्क्वाड क्लच कर दिया। सोलो वर्सेस स्क्वाड में स्क्वाड क्लच करना इम्पॉसिबल होता है, बट मैंने बहुत दिनों पहले स्क्वाड क्लच किया था, वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड में। आज मैंने फिर से कर दिया सोलो वर्सेस स्क्वाड में स्क्वाड क्लच, मैं यही बोले जा रहा हूँ। बट कोई नहीं, गेम में फोकस करते हैं। और भी बंदे यहाँ पे मुझे नहीं लग रहे कि और भी बंदे होंगे। बंदे यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि मैंने स्क्वाड तो क्लच कर दिया, तो और भी बंदे नहीं होने चाहिए। तो चलते कहीं और देखते बंदे हैं या फिर नहीं। मैं बीमा शक्ति से ब्लू जोन में आया, बट ब्लू जोन में बंदे तक नहीं है। मतलब बंदे मूव कर गए होंगे, बट मेरे अभी 4 किल है और बंदे आप लोग देखो कितने अलाइव है, 20 बंदे अभी अलाइव है। मतलब इतने प्रो लॉबी नहीं है। मैं हिटलिस्ट लगाने वाला हूँ, अगर बंदे दिख जाते तो। सामने ही बंदा है, बट चलते हैं। अपना M4A1 हो चुका है ट्रिपल, और ट्रिपल M4A1 क्या ही खतरनाक गन है, ये तो पता है आप लोगों को। क्या ही खतरनाक चलती है ट्रिपल होने के बाद। देखते हैं वो बंदा कहाँ पर है। मैं सोच रहा हूँ उस बंदे को मैं रिवाइव करने दूँ, क्योंकि बंदे बहुत कम हैं और बंदे होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे किल भी तो चाहिए और भुइया भी करना है। तो उस बंदे को मैं रिवाइव करने दूँगा, जिस बंदे के ऊपर मैंने हिटलिस्ट लगाया है। वो बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा है, तो मैं रिवाइव करने दूंगा उस बंदे को। इस बंदे ने सीरियसली अपने टीममेट को रिवाइव ही नहीं किया, और ये रहा बंदा। बट मैं इसको मारने वाला हूँ, और इस बंदे ने अपने टीममेट को ही नहीं रिवाइव किया। शायद बंदे होंगे यहाँ पे जिसके कारण से ये बंदा साइड हुआ था, और ये लो हेडशॉट के साथ इस बंदे को मैंने मारा। और ये बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कर सकता था, लेकिन आई डोंट नो इस बंदे ने अपने टीममेट को रिवाइव नहीं किया। अब ये बंदा किसी कारण बस रिवाइवल पॉइंट से हट चुका होगा, या फिर नेट प्रॉब्लम के कारण। मुझे आई थिंक लग रहा है नेट प्रॉब्लम था, बट कोई नहीं, गेम में फोकस करते हैं। और भी बंदे यहाँ पे होंगे। मैं बीमा शक्ति से गया था ब्लू जोन में, और ब्लू जोन से वापस मैं आ चुका हूँ बीमा शक्ति के ऊपर। सोलो वर्सेस स्क्वाड में कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो जोन में जितना हो सके उतना मुझे खेलना है, और अगर 3 बंदे 4 बंदे फाइट कर रहे हैं आपस में तो थर्ड पार्टी के ऊपर मुझे नहीं जाना, वरना ऐसे मुझे डैमेज भरना शुरू होगा। और मुझे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा डैमेज देगा। मुझे पता था सामने बंदा है, बट मैंने सोचा नहीं था ये बंदा सीरियसली डैमेज भी दे सकता है। कोई नहीं, इस बंदे के ऊपर रस्प करेंगे हम लोग। और डिफेंसिव मैं बहुत कम खेलने की कोशिश करूँगा, अटैकिंग में मेरे बहुत सारे किल भी हो सकते हैं। अगर तुक्के से लग जाए 1-2 हेड तो ये सही रहेगा, तुक्के से हेडशॉट लगे और बंदे डाउन हो जाए। ओके, 2 बंदे यहाँ पे, और ये प्रो स्क्वाड है, मुझे ऐसा लग रहा है प्रो स्क्वाड है। और इस बंदे को फिनिश करते हैं, वरना ये बंदा इसी के स्क्वाड का है। और ये इस बंदे ने डैमेज दिया, ख़त्म, मैं ख़त्म। MP40 है उस बंदे के पास, मेरा डी एंड होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है बंदे, ये बंदा मुझे मार सकता है, क्योंकि ये बंदा प्रो है। और ये लो हेडशॉट, और ये बंदा डाउन। सीरियसली हाफ से भी कम HP के ऊपर बचना इम्पॉसिबल हो। चलो, तीसरा बंदा भी यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, और नीचे वाले बंदे ने फायर दिया, मतलब मेरा किल गया यहाँ पे।
बट कोई नहीं, तीसरा बंदा इसके टीममेट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बाइक लेके आ रहा था, मतलब इसके टीममेट ने बोला होगा कि यहाँ से निकल जाने के लिए, क्योंकि मैंने दो बंदों को डाउन किया और थर्ड पार्टी करने के लिए दूसरी स्क्वाड भी आ सकती है, तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और ड्रॉप में देखते अगर कुछ मिल जाए, निकलना चाहिए मुझे। अगर बंदे आ गए थर्ड पार्टी करने के लिए, अगर दो बंदों को मैंने मारा है, मतलब बंदे तो आएंगे ही यहाँ पे फायर देखकर, तो निकलते हैं यहाँ से। और नीचे वाला बंदा आई थिंक गायब हो चुका है, मतलब ये बंदा अपने टीममेट को ही रिवाइव करने के लिए गया होगा। बट कोई नहीं, अगर बंदे आते हैं तो मैं फाइट करूँगा, मेरे पास M4A1 ट्रिपल है, मतलब डरने की कोई बात नहीं, M4A1 ट्रिपल है, तो आप किसी भी बंदों को मार सकते हो सिंपली। अभी मैं सेंटर जोन में हूँ तो बंदे कहीं से भी मार सकते हैं, बट मेरे पास M4A1 ट्रिपल है। अभी मेरे हो चुके 6 किल और 13 बंदे अलाइव है। इतने कम बंदे अलाइव होना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे बोट लॉबी है, बट अभी तक बोट बंदे मुझे मिले नहीं हैं, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं मीडियम लॉबी है, ऊपर की साइड बंदे भी हो सकते हैं और कहीं से भी मुझे पड़ सकती है, क्योंकि मैं सेंटर में हूँ तो मुझे डैमेज पड़ना, ये संभवतः मुझे डैमेज पड़ सकते हैं। और भी बंदे कहाँ पे हो सकते हैं, इतने छोटे से जोन में बंदे आसपास ही होने चाहिए। और ये देखो ये बंदा, सीरियसली ये बंदा मुझे बोट तो नहीं लगा, बट ये बंदा यहाँ पे आएगा और ये बंदा डाउन, रेड नंबर खाया इस बंदे ने। सीरियसली इस बंदे को पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ से मार रहा हूँ, बट मेरे गन में साइलेंसर भी नहीं है, उसके बावजूद ये बंदा मेरे हाथों से मारा गया। अभी मेरे हो चुके 7 किल और अभी तक 11 बंदे अलाइव है, मतलब मेरा कहना था 11 बंदे अलाइव है, इसका मतलब जब मैं ड्रॉप के पास था आई थिंक कि 13 बंदे अलाइव थे या फिर 14 बंदे के आसपास, तो जितने भी बंदे 11 मुझे छोड़कर 10 बंदे बचे, तो 10 बंदे कैंपर हो सकते हैं। और ये बंदे अभी भुइया के बहुत करीब है, तो मतलब भुइया करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। 15 से 20 होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे 13 से 0 होने में बहुत समय लग रहा है, मतलब 0 नहीं 1 होने में। और भुइया किसके हाथों में जाने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, और जितने भी बंदे हैं आई थिंक मेरे हिसाब से कैंपर हो सकते हैं, और ये भी भुइया करने की पूरी ट्राई करेंगे, 100% देने की कोशिश करेंगे। और जिस बंदे को मैंने यहाँ पे ड्रॉप पे ख़त्म किया था, वो बंदे अगर रिवाइव होते हैं, अपने टीममेट को रिवाइव करते हैं, और ये बंदे भी हो सकते हैं, आई थिंक वही बंदे जिस बंदे को मैंने ड्रॉप के साइड मारा था यहाँ पे। और जब मैं किसी बंदों के बारे में बात करता हूँ या किसी भी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, तो वो चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। और ये बंदा डाउन, ये नीचे किसी से फाइट कर रहा था या फिर मुझे देख कर इसने वॉल लगाया था, बट जैसे इस बंदे ने वॉल लगाया, प्रो तो है बट इतना भी नहीं। और ये बंदे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है वही बंदे हैं। मेरे हिसाब से इसके टीममेट जितने भी हैं सभी रसर हो सकते हैं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि रसर बंदे हैं, और आई थिंक वही बंदे हैं। ओके यही बंदा है, मैंने देखा तो है ट्रेस, यही बंदा है 100% मैं श्योर हूँ, बट यहाँ से मुझे निकलना होगा। बंदे एग्रेसिव हो चुके हैं और ये बंदा वहीं पर जा रहा था जहाँ पर मैंने इस बंदे को मारा था, अपने लूट के पास जा रहा था, और लूटने के बाद फिर से ये बंदा रस करेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। मुझे जाना चाहिए यहाँ से और फाइट लेना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, दो बंदे थे और इनके टीम के वो दोनों बंदे थे जिन्होंने ड्रॉप लूटा था और उस समय मैंने मारा था उन बंदों को, वही बंदे थे आई थिंक। बट कोई नहीं, मैं फ़ाइट तो लेना चाहता हूँ, बट दिख जाए एक बार और देखते हैं फाइट। अगर चलो इस बंदे ने डैमेज तो दिया, मैं मारूँगा, और ये बंदा एक बार दिख जाए मैं हेडशॉट लगाने वाला हूँ बहुत ख़तरनाक सा, क्योंकि एक ट्राई मुझे मिलने वाला है, दूसरी वक्त में दूसरे ट्राई में मैं नहीं मार सकता इस बंदे को। अगर इस बंदे ने हेडशॉट मुझे मारा तो मेरा डी एंड हो सकता है, बट कोई नहीं ट्राई करते हैं एक बार। अगर ये बंदा मर जाए तो चलो, बॉडी लगा, डैमेज तो हुआ बट डाउन, ये लो डाउन, ये पहला बंदा था जिसको मैंने डाउन किया था, और ये लो ख़त्म ये बंदा। और भी इसके टीममेट हैं यहाँ पे, दो और भी टीममेट हो सकते हैं इसके, बट श्योर नहीं हूँ मैं। और यहाँ पे मेरा डी एंड होते हुए मुझे ऐसा लग रहा है भुइया होना इम्पॉसिबल है, बट ट्राई करते भुइया तो अपना। ये लो ये बंदा भी डाउन, एक और बंदा है, मैंने कहा तो दो बंदे, बट दो बंदे ही है यहाँ पे, और ये बंदा बचा तो सही है, बट ये बंदा रस मेरे ऊपर नहीं कर रहा, मुझे रस करना पड़ेगा। इस बार इस बंदे ने बहुत ख़तरनाक सा डैमेज दिया, मैं अपनी गलती के कारण, मुझे वॉल सामने लगाना चाहिए था बट मैं साइड में वॉल लगाया जा रहा था। और ये देखो लॉन्चर नहीं, यहाँ पे लॉन्चर नहीं, अभी इस बंदे ने लॉन्चर मारा तो मेरा डी एंड हो जाएगा। नेट तो है बट ट्राई करते हैं, अगर वो बंदा डाउन हो जाए, और मेरे पास नेट स्किल नहीं है, बट कोई नहीं एक बार ट्राई करते हैं, अगर तुक्के से भी डाउन हो जाए तो सही है। ये निकला ये बंदा,
आई थिंक ये बंदा मुझे मार सकता है जितना मुझे ये प्रो लग रहा है। लॉन्चर इस बंदे के पास ड्रॉप से इसको मिला होगा, वरना मुझे ऐसा लग रहा है ये थर्ड बंदा है इसकी टीम का और फोर्थ बंदा लास्ट बंदा भी हो सकता है। और इस बंदे को देखो, और ये लोग खत्म, लास्ट बंदा था उसकी टीम का, लेकिन मैंने किल कह सकते हो मैंने किल चुराया है वहाँ पे। अब ये थर्ड पार्टी इस बंदे ने करने की कोशिश की थी और मेरा एमओ खत्म, बट कोई नहीं, एमओ नहीं है M4A1 में तो लॉन्ग रेंज में तो फाइट नहीं, बट शॉर्ट रेंज में तो कर सकते हैं। और UMP है मेरे पास, उसको थामा अभी मेरे पास है। और ये लो, ये बंदा ऊपर की साइड फाइट दे रहा था, एक और बंदा ऊपर है और ये बंदे को पहले मार। अभी ये बंदा हो चुका है कंफ्यूज और इसको मारना बहुत ईजी है, बॉडी बॉडी, और ये लोग खत्म, डाउन ये बंदा सीरियसली। फाइनली अब लास्ट बंदा बचा है और इस बंदे के पास इंजेक्शन था, पहले इसको उठाते, अगर मैं डाउन होता भी हूँ तो मैं इससे सेफली रिवाइव हो जाऊँगा और वो बंदा अटैक ना करे। ऊपर की साइड ये बंदा है, वॉल लगा के बैठा हुआ, वो बंदा कैंपर है ये बंदा, और कैंपर बहुत प्रो होते हैं और मैं भी पहले कैंपर था, अभी भी मैं कैंपर हूँ, बट सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने के बाद मेरा अलग सा ही हो जाता है गेम प्ले। और फर्स्ट गेम मेरा बहुत ख़तरनाक होता है और सेकेंड थर्ड गेम मेरा होता ही नहीं अच्छे से, बट कोई नहीं, लास्ट वाले बंदे को अगर मैंने मारा तो यहाँ पे मेरा बुया हो सकता है। और इस बंदे के पास है आई थिंक AC-80 है, और ये बंदा वन टैप ट्राई किए जा रहा है, मतलब ये बंदा वन टैप मार सकता है, मुझे पिक नहीं देना है। प्रो बंदा तो है बट इसके माइंड के साथ मुझे खेलना है, देखते हैं माइंड के साथ मैं खेल पाता हूँ। अगर ये बंदा गलती करे तो मैं इसके माइंड के साथ खेलूँगा। और मेरे पास नेड है, एक नेड है, करते हैं, और डैमेज तो हुआ बट कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। चलो कोई नहीं, रस करते हैं, अगर ये बंदा मुझे मारने की कोशिश करता है कोई नहीं, मैं ट्राई करूंगा बुया करने की। और यहाँ पे वो बंदा वेट करके खेल रहा है, वन टैप खेल रहा है, मतलब वेट ज़रूर करेगा, मुझे ही रस करना होगा। और ये देखो, रस करने की यही बहुत बड़ी गलती होती है, वो बंदा वन टैप मुझे मार सकता है अगर वो बंदा ट्राई करे तो। अगर मेरे पास वॉल भी नहीं है, और लैंडमाइन लगाते हैं, और ये बंदा रस करने की कोशिश करेगा, आई थिंक ये बंदा, ये लो ख़त्म। सीरियसली मुझे लगा एक वक्त के लिए कि मेरा यहाँ पे डी एंड हो जाएगा, लेकिन मेरा हो चुका है भैया। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।